दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ही यम्मी और टेस्टी चॉकलेट केक की रेसिपी। इस वाली रेसिपी को बनाने में दोस्तों ना ही मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, ना ही कोकोवा पाउडर का इस्तेमाल किया है और बिना दूध के ही बहुत ही यम्मी केक बनाया है। दोस्तों समटाइम्स क्या होता है, सभी लोगों के घर में जो है चॉकलेट अवेलेबल नहीं होता है, कोकोवा पाउडर नहीं होता है, दूध नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप आराम से जो है चॉकलेट केक अपने घर पर रेडी कर सकते हैं। तो आप भी अगर ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने आज का ये रेसिपी बनाया है, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए, और कोई भी रेसिपी बनाते हैं दोस्तों तो उसका फोटो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी, लेट गेट स्टार्टेड। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप मैंने लिया है बटर मिल्क। बटर मिल्क 2 चम्मच दही में 1 कप या आधा कप पानी मिक्स कर दे, आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। उसका चीनी पाउडर मैंने लिया है आधा कप, और 1/4 कप लिया है मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, इसकी जगह आप घी या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से या तो मिक्स कर ले या फिर विस्क कर ले। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ हमारा जो है एक छन्नी ले ले, और उसमें हम मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। तो गेहूं का आटा तो दोस्तों पता है आपको बहुत ही हेल्दी हो रहा है, तो इस वीडियो में मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसको डाल करके काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ छान लिया है, और फिर इसको काफ़ी अच्छे से हम जो मिक्स करेंगे उसके पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं चॉकलेट केक बनाने के लिए ले रही हूँ वो है हमारा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर की मदद से आपका केक बिल्कुल चॉकलेट जैसा कलरफुल और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बिल्कुल चॉकलेट जैसा स्वाद में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बटर मिल्क और लगा 1/4 कप, और बहुत ही स्मूथ बैटर हम यहाँ रेडी करेंगे। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा स्मूथ बैटर रेडी हो गया है, यानी कि यहाँ पे बटर मिल्क थोड़ा सा मुझे 1/4 कप और ऐड करना पड़ा था, आप भी ऐड कर सकते हैं। और फिर स्टील का इस तरह का मैंने बर्तन लिया है, और इसको काफ़ी अच्छे से हम तेल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा जो है केक इसके अंदर बिल्कुल भी चिपके नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो बैटर रेडी करके रखा हुआ है उसको इसके अंदर हम डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसको इस तरह से हिला दे ताकि बहुत ही अच्छे से इसके अंदर एयर बबल्स भी हट जाए और काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए ये नीचे पैंदी में। उसको पकाने के लिए, बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लोहे का तवा रखा है, उसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी है नॉन स्टिक वाली, और उसको प्रीहीट करना है हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक। प्रीहीट करने के बाद यहाँ पे हमने जो बैटर जो रखा हुआ है स्टील वाला उसको इसके अंदर हम डाल देते हैं बर्तन को, और फिर ढक करके इसको दोस्तों आपको 40 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक करना है। 5 मिनट तक आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कम और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बहुत ही बढ़िया जो है 40 मिनट के बाद हमारा केक यहाँ पे बेक हो चुका है। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं टूथपिक की मदद से, या फिर किसी भी चाकू की मदद से इसको अच्छे से साफ चाकू की मदद से चेक कीजिएगा। अगर टूथपिक साफ और क्लीन निकले इसका मतलब आपका जो है बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, पक चुका है। इसको हम साइड में निकाल देंगे, और निकालने के बाद थोड़ी सी इसको क्या करना है हमें दोस्तों, अच्छे से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे मैंने साइड में निकाल दिया, और बहुत ही अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसका क्या करते हैं, फ्रोस्टिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, मीठा थोड़ा 1 चम्मच ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और 1/4 कप यहाँ पे मैंने शुगर ये मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 कप यहाँ पे मैं दूध डाल करके इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही अच्छे से इसको गाढ़ा होने तक आपको पकाना है, कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई इसकी, ये देखिए है ना। इसको हम निकाल लेते हैं साइड में, और साइड में निकाल करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के आसपास कोकोआ पाउडर। तो यहाँ पे जो है फ्रोस्टिंग दोस्तों ऑप्शनल है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोकोआ पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी जगह जो है कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चॉकलेट को मेल्ट करके इसके अंदर आप डाल दीजिए, या फिर जब हम इसको बना रहे होते हैं उसी टाइम चॉकलेट डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हमारा फ्रोस्टिंग रेडी हो चुका है, और हमारा दूसरे साइड में केक भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम डिमोल्ड करेंगे, तो चाकू की मदद से साइड को अलग कर दे, और उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखे और पलट दे, पलट करके एक बार ऐसे ठोकिएगा तो काफ़ी अच्छे से आपका जो है केक बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएगा। ये देखिए क्या मस्त, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारा गेहूं के आटे का जो है केक बन करके रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छे से बेक भी हुआ है। तो बस ऊपर से भी चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि कच्चा है, बिल्कुल पका हुआ है। तो यहाँ पर मैं चाकू की मदद से इसको जो है 2 लेयर में कट करूँगी। आप जैसे स्पेशल किसी भी बर्थडे वर्डे में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नॉर्मली आप ये स्टेप नहीं भी करिएगा, नॉर्मली बेक करके आप खा सकते हैं,
फ्रोस्टिंग नहीं भी रेडी करना है तो फ्रोस्टिंग की जगह आप चॉकलेट को भी मेल्ट करके चॉकलेट सिरप या गैनेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर सिरप है, 2 चम्मच जब मैंने चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छे से पिघलाया है, उसको उसके ऊपर लगा दिया है चॉकलेट सिरप को, और उसके बाद हमारा जो फ्रोस्टिंग हमने रेडी किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्रोस्टिंग जो है ऑप्शनल है, अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हैं तो फ्रोस्टिंग रेडी करें, नहीं तो आप घर में क्या कर सकते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर इस तरह से लेयर डाल करके आप खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से फ्रोस्टिंग को बहुत ही अच्छे से फैला दिया, उसके ऊपर मैंने सेकेंड लेयर रख दिया है, और सेम जो है फ्रोस्टिंग को भी इसके ऊपर डाल देंगे बचे हुए को, और इसको भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फैला देंगे। इससे क्या होता है, फ्रोस्टिंग से आपका केक थोड़ा सा यम्मी भी लगता है और थोड़ा सा बर्थडे वर्डे का लुक आता है, थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन वाला भी लुक आता है। इसको यहाँ पे मैं गार्निश कर दे रही हूँ चोको चिप्स, व्हाइट वाले चोको चिप्स की मदद से, जिससे और भी ये खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे। इसकी जगह आपके पास ये नहीं है तो चॉकलेट को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, शेड कर करके उसको डाल सकते हैं, चॉकलेट को काट करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो देखने में कितना अट्रैक्टिव, कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा मैं बीच में डाल रही हूँ ये चेरी, जिससे बिल्कुल आपका स्पेशल वाला लुक आएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ, ये देखिए दोस्तों। तो बस आज का हमारा जो है चॉकलेट केक है बन चुका है, बिना चॉकलेट के, बिना कॉफ़ी पाउडर, बिना कोकोआ पाउडर के। तो आप इसको कॉफ़ी केक भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को कॉफ़ी केक समझ नहीं आता है, तो इसीलिए आज का केक जो है चॉकलेट केक है, बिना चॉकलेट के, बिना कोकोआ पाउडर के, बिना मिल्क के। तो इसमें जो मैंने फ्रोस्टिंग बताई है दोस्तों, फ्रोस्टिंग ऐसा नहीं कि आपको बनाना ज़रूरी है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। आप इसकी जगह जो आप नॉर्मल चॉकलेट, डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके जो है गैनेज बना सकते हैं, या फिर चॉकलेट सिरप है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने फ्रोस्टिंग ऐड किया है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइए ज़रूर, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।